कि चिट्टे मोती है या अखां दे ऑपरेशन विच जिहड़ी अज दी डेट च रेवोल्यूशन है उहनूं कहिंदे आ 3D रोबोटिक डिजिटल असिस्टेड आई सर्जरी। पंचलाइन इज बिना टीका टांका पट्टी परहेज जिहड़ा ऑपरेशन कीता जा सकदा है। क्वालिटी ऑफ सर्जरी बिल्कुल सही, ओ दैट इज मतलब उहदा कोई होर मुकाबला नहीं है। ते जिहड़ी अपनी अख दा घेरा आ जिन्हों असी कहने 11-12 जी हैगी मिलीमीटर का होगा, वह तुम वो जो तुम देखते हैं तो 60-65 इंच की स्क्रीन पर दिखता कि जो सर्जन विजुअलाइज कर रहा है वह उन्होंने वारिस भी कर रहे। असी एक 3D डायमेंशनल स्टूडियो बनाया है पेशेंट्स के लिए उन्होंने वारसा की। जोड़े साढ़े NRI सज्जन है वो जो आते हैं उन्होंने हों के विह वेख लीए फलाने रिश्तेदार से चल जाइए उस तो बाद दरबार साहब भी मत्था टेक आईए तो हूँ जाने 5-7 दिन बचे आ डॉक्टर साहब जाके मिली। उन्होंने लगता कि जो जाते ही ऑपरेशन करा लिया सारे ही साड़ी वेकेशन ना खराब हो जाए, मैं तो विह देखनी सी तो ऑपरेशन करा के भी विह देखा जा सकता। हाँ जी, क्योंकि दूजा काम नहीं करते गांडे का परहेज करना तड़के नेड़े ना जाए यो जहा रौला नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वागत जी तुहाडा एक बार फिर तो तुसीं देख रहे हो एक खास प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम दे विच आपां गल करांगे सेहत नाल संबंधित। तो सेहत दे विचों वी सब तो इंपोर्टेंट पार्ट अपनियां अखां, क्योंकि जे अखां है नहीं गियां तो फिर समझो भी कुछ भी है नहीं। कहिंदे हुंदे ने भी अखां गईआं जहान गया, तो वह जिहड़ी अखां ने उहनां दा बेस्ट इलाज जिहड़ा है वह कित्थों किवें किद्दां हो सकदा इहदे बारे अज आपां गल करनी। अपने नाल अकाल आई हॉस्पिटल जलंधर तो डॉक्टर सतबीर सिंह भौरा होरी ने स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत तुहाडा जी। सत श्री अकाल भाजी गुरप्रीत संधावालिया जी। मैं भी सब तो पहला तो मैं बोलूँगा कि मैं बहुत एक्साइटेड, मैं बहुत चाह है कि मैं ऑलमोस्ट 3-3.5 साल बाद आज तक मुलाकात हो रही है। नहीं तो समा सी आप हर 15 दिन बाद मिलते सी, पर शहर नहीं आते शहर नहीं आते। सो मेरे तेन बहुत बहुत खुशी क्योंकि मेरे वे भरा रुतबा रखते हैं। नहीं बहुत धनबाद, बहुत धनबाद डॉक्टर साहब। गल है भी चलो इदा ही है, धरती गोल है घूमता फिर बंदा कि ना कि मिल ही जाता। अब चलो आप बैठे हैं जी इस वक्त कनेडा के, कनेडा के भी कैलगरी शहर है मैं दस दया जी, पर कारण यह भी इतने चर्चा चल पी। मैं परिवार के मैंबरों को दस दें भी क्योंकि इतने आके, क्योंकि जो हैल्थ न रिलेटेड गल्लां बातें होंदिया ने तो फिर उस अखा की गल भी चल पैंदी है। तो डॉक्टर साहब क्योंकि खो डॉक्टर ने तो मैं भी पूछ लिया भी की हिसाब किताब, तो फिर गलों जो गल जी निकली तो मैं लगा भी गल काम दी है। सो आप तक पहुँचा दिए गल है डॉक्टर साहब कि भी आप जो बहरली देशों की गल कर रहे आप कहें भी यार इंडिया इलाज नालों ना बाहरों इलाज करावे जी, भी यार उत्थे ना पता नहीं कड़िया मशीन होनी जी। हुण जदों तुसीं मैनूं जिहड़ी गल दसी है भी जिहड़ी 3D रोबोटिक वो सर्जरी है वो दुनिया की जो इस वक्त बेस्ट टेक्नोलॉजी है जी, वो अकाल आई हॉस्पिटल जलंधर जी तुसीं अवेलेबल कराई है। बिल्कुल जी, इहदा मतलब ये हो गया कि भी अपने अंदर धारणा बन चुकी है भी शायद बाहर वधिया, असल दे विच अपने घर च सारा कुछ हैगा जी। ये थोड़ा समझाओ भी ये तकनीक की है। इहदे च मैं संधावालिया साहब तुहानूं इत्थे दसना चाहूँगा कि बहुत घट लोग ने जिन्हां नूं दोनों सिस्टम एक्सपोजर मिलिया। तो मैं पिछले 2 साल तो कैनेडियन हैल्थ केयर सिस्टम इत्थे दे आई हॉस्पिटल्स उहदा मैनू इन वट एवर कपैसिटी मतलब मैनू देखण दा ऑबजर्व करन दा उत्थे ऑबजरवरशिप करन दा मौका मिलिया ते मैं उत्थे बहुत कुछ देखिया। पहली गल मैं बिल्कुल इत्थे मैनशन करूँगा कि दैट वी आर ऑल हेयर बाय चॉइस, असीं इन्हां मुल्कां विच अपने आप करके हैगे आ, तुसीं भी आए हो साडे भी ऐसे, क्योंकि इस इन्हां देशां दी बहुत चंगीआं गल्लां भी हन जो आपां इक्वैलिटी आ स्पैशली प्राउड पंजाबी कम्यूनिटी जो आपां सारे असीं उहदा हिस्सा बनना चाहुंदे आ ते हैगे आ। पर इहदे नाल मैं मैनशन करूँगा कि कुछ ड्रॉबैक्स जिवें हैल्थ केयर दे इस टाइम काफ़ी ड्रॉबैक्स ने। इस टाइम डॉक्टर्स की बहुत किल्लत है, स्पैशलिस्ट डॉक्टर की होर ज़्यादा किल्लत है। अपॉइंटमेंट सिस्टम इस हद तक जिवें अनोइंग है कि जिन्हों कहिंदे कि बंदा उड़ीक उड़ीक के उहदा सबर टुटन वाली गल है। सो ये एक फैक्ट है। तो तुसी कह लो कि हिंदुस्तान च या पंजाब च इहो जिहियां गल्लां नहीं हन, जोक विच है उन्होंने उस दिन ही डिलीवर करना है, एक ये फर्क है। दूसरी गल कि जिहड़ी एक धारणा आपां ये रखते हाँ कि
कई चीज़ों में कोई मुकाबला नहीं है, ये भी फैक्ट है इन देशों का, तो अपने अपने पंजाब का। पर जिहड़े असी हैल्थ केयर विच वी आर नॉट ईवन एट पार विद दैम, असी क्योंकि इत्थे कई एक होर गल है क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट बेस्ड है, सो गवर्नमेंट तुहानू किन्नी ग्रांट दिंदी है, की कर सकती है, हुण उह कैलगिरी नूं वड्डा समझण, उहनां दी परिभाषा चो वड्डा शहर समझण, छोटा समझण, किन्ना कु वड्डा इत्थे हॉस्पिटल का बजट, किन्ने स्पैशलिस्ट भेजने, ये उहनां ते निर्भर करदे, इहदे च तुसीं मैं कुछ कर नहीं सकदे। सो उत्थे तां ये तुहाडी अपनी जे कह लो कि एफर्ट्स हैगियां, तुसीं जो मर्जी लिया सकते हो। सो जिहड़ी आपां तुसीं गल कीती कि चिट्टे मोतिए या अखां दे ऑपरेशन विच जिहड़ी अज दी डेट च रेवोल्यूशन है, उहनूं कहिंदे आ 3D रोबोटिक डिजिटल असिस्टेड आई सर्जरी, जिहनूं आपां अजकल सुणदे आ ना, अजकल दे दौर विच हर एक ऑपरेशन जिहड़े बेस्ट तो बेस्ट जिहड़े लेटैसट टैक्नीक ओह डिजिटल असिस्टेड या रोबोटिक टैक्नीक नाल कहे जांदे हन, ते उहदे विच इक वड्डी छाड़, एक वड्डी लीप जिहड़ी है ओह जिहड़ी हैगी डिजिटल असिस्टेड आई सर्जरी है। तो जो तुसीं कह लो हिंदुस्तान च ही पहली वारी विच असीं जलंधर लैके आए हां। ओके, मतलब इंडिया दे विच जे किसी ने कोई टेक्नीक वेखनी उहदे अपने कोल, तुसीं की वेख लो कि सिर्फ अजे एक PGI एम्स या एक दो सेंटर्स जिहड़े मतलब कि मुल्क दे सिरमौर सेंटर मन्ने जांदे, उहनां विच आई है कि प्राइवेट अजे नहीं आई हैगी, उहनूं कोई नहीं प्रचलित कीता। इह थोड़ा जिहा देसी तरीके नाल समझा दिओ कि वी इहदा ते जिहड़ी पहली जां आम प्रचलित तकनीकां जिहड़ियां बाकी ने उहदा ते इहदा की फर्क है खास। देखो बिल्कुल सरल भाषा विच चिट्टे मोतिए दा या अख दा कोई ऑपरेशन करना असीं एक जिहड़ा हैगा माइक्रोस्कोप विचों देख के करते हैं, माइक्रोस्कोप भी वधिया तो वधिया आंदे हन, बट उहनूं असीं कहिंदे T2D 2D असीं एक मैगनीफाइंग माइक्रोस्कोप जो देख रहे हैं, तो ऐ करके असीं जिहड़ी हैगी आ जो साणू सिखाया जांदा पिछले इन्ने 20-20 सालां तो। हुण इह जिहड़ी हैगी आ इहदा उहदे नालों की फर्क है, इह रादर दैन विजुअलाइजिंग इन 2D दो डायमेंशन वेखण दे अलावा असीं एक तुसीं कह लो 60-65 इंच की स्क्रीन जिहड़ी डॉक्टर तो तुसीं कह लो 3 फुट ते हुंदी है, उहदे विच तुसीं सिद्धा उस स्क्रीन विच रीयल टाइम देखते हैं। ओके, ते जिहड़ी अपनी अख दा घेरा आ जिहनूं असीं कहिंदे 11-12 जिहड़ी हैगी आ मिलीमीटर दा होएगा, उह तुसीं उहदे विच्चों जदों तुसीं देखदे आ तुहानूं 60-65 इंच की स्क्रीन ते दिखदा है। ओके, इन्नी वड्डी करके अख दे इन्नी वड्डी अख तुहानूं मैगनीफिकेशन, ते उहदे विच जिहड़ी असल विच जिहड़ी तुहाडियां मैनूवर्स हुंदियां जिहड़े तुसीं ऑपरेशन करदे जिहड़ियां डैप्थ परसैप्शन आ उह तुहानूं किन्नी मैगनीफिकेशन च दिखदी, ते उहदे विच जिहड़ी कहिंदे प्रिसीजन या कोई गलती ना होण दा या उहदी जिहड़ी किहनूं कहिंदे ना क्वालिटी ऑफ सर्जरी, ओह दैट इज़ मतलब उहदा कोई होर मुकाबला नहीं है ओह जिहदे। ते अगली गल जिहड़ी मैं तुहानूं इह दसणा चाहुंदा कि मेरी गल ते विश्वास ना करो, क्योंकि असी जिहड़े पेशेंट दे वारस हैगे ते उहनां नूं नाल दिखांदे आ। ओके, मैं दोबारा इह दसणा कि जो सर्जन विजुअलाइज़ कर रहा है ओह उहनां दे वारस भी कर रहे, असी एक 3D डायमेंशनल स्टूडियो बनाया है पेशेंट्स लई उहनां दे वारसां लई। ओके, सो एक ये हाई डेफिनेशन एनकां हुंदियां जिहड़ियां तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो, ते तुहानूं पता लगदा कि की हो रहा, ते डॉक्टर भी उहदे चों ही देख के कर रहा, ते जदों दस्या जाएगा कि फलाने जिहड़े सज्जन हैगे उन्हां दी सर्जरी हैगी, ते उन्हां दे वारिस भी उत्थे बैठ के देखण। सो ये गल नोट करन वाली मैं दस दिया, तुसीं देखो कि भी जरूरी नहीं भी अंदर पता नहीं डॉक्टर ने लैन च पाया कि नहीं पाया, आम आपां पिंडां दी गल कर दिंदे भी इहदा मतलब ये हो गया भी अंदर जो किया गया डॉक्टर वालों वो तुसीं बाहर बैठे स्क्रीन पर देख सकते हो, तां जो अपनी फुल तसली होगी। देखो कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पर इन्हां देशां विच ना तो कोई पेशेंट के हाथ च कोई कागज़ कोई पत्र कोई रिपोर्ट फड़ाई जाती है, ये एक सच है, रोज़ साडा वाह पैंदा है, इत्थे भी देखिया इत्थे भी जदों तुसीं हॉस्पिटल हो जे तुसीं पग बन्नी हो तो अपने बजुर्ग तुहाडे नाल खुल के गल करन दी कोशिश करदे हो, पर तुसीं उहनां नूं जिन्ने क मदद कर सकते हो तुहाडे हथ बन्ने तुसीं उहनां नूं दस सकते हो, पर इहदे विपरीत मैं तुहानूं इह कह रहा कि इस लैवल की ट्रांसपेरेंसी जिहड़ी असीं लाण दी कोशिश कीती है उत्थे है जी। सो ये एक गल मैं बेनती करां जी कि भी हुण जे मान लो थोड़ा कोई विआह शादी दे चक्कर च उत्थे गेड़ा लगना इंडिया, ते तुसीं अकाल आई हॉस्पिटल जलंधर जिहड़ा है उत्थे जा के अपनी अखां दा जिहड़ा कि दुनिया दी बेस्ट टैक्नीक है वो अपने पिंड दे विच कह लो जां अपने शहर दे विच कह लो जां अपने गुआंढ दे विच अवेलेबल है, तुसीं उत्थों इहदा लाभ जिहड़ा वो चुक सकदे हो। ते रही गल मैनूं लगदा भी इहदे च तां फिर जिद्दां हुण तुसीं कहा भी इंडिया दे विच बहुत घट टैक्नीक्स ने निरपक्ष होके करना चाहिदा है, जे तुसी कहने हो कि असी किसे दी चैरिटी करदी हां किसे गरीब गुरबत दा ऑपरेशन करना, वह भी उसे दे नहीं करना है।
ते जे कोई साडा NRI भरा है जो आ के एक बहुत प्रीमियम सर्जरी कराने वो भी उसे दिन करने हैं। मतलब जदों अगले दा टाइम अवेलेबल जिवें अपनी कहा जांदा ना संगत पंगत सब बराबर उसे उसे सद्भावना नाल उसे दिन कीता जाना चाहिए ते असीं करते हां। क्या वाह। अच्छा एक गल थोड़ी दस दिओ वी जे मान लो हुण अपनी इह गलबात सुण के किसे दे मन च आउंदा कि हुण परिवार का कुछ ही सुनता हों बजुर्गों ने जाना तो बड़ा कहेंदे सी भी इधर तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती जी तो आप क्यों ना उतों करा ली तो की प्रोसीजर है किमें या कि टाइम है सारे कुछ लगता। देखो साढ़े ताड़ी इतने हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होएगा थले फ्लैश भी करता होएगा तो बाकी अकाल आई होस्पिटल साडा मेन ब्रांच जलंधर है बाकी नकोदर है भोगपुर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स सब कुछ है साडा हेल्पलाइन नंबर है 7355010101 ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੇ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਿੰਨ ਰਾਤ ਦੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ ਸੋ ਜੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਜੈਲਕੋਨ ਦਾ ਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੇਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ AMO ਦਾ ਲੈਂਸ ਹੈ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਆਡੀ ਅਤੇ BMW 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਂਡ ਸੇਮ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਲੈਂਸ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਓ ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲੈਂਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ 5-7 ਦਿਨ ਬਚੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੰਢੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਤੜਕੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾ ਟਾਂਕਾ ਪੱਟੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਆਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਅਮਨ ਖੱਟਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।